हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज से आपका सेशन शुरू हो रहा है। 11th जेई का फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मायसेल्फ चंद्र प्रकाश धाकड़, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इन कुहू इंटरनेशनल साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी। तो आज से अपन पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ऑलराइट, इसके बाद लॉगरिथम पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा, तो आज अपन नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, जैसे भी अपना लेक्चर कंप्लीट होगा, मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए DPP सेंड कर दिया करूँगा, उसको आप सॉल्व करना, और नेक्स्ट डे मैं उस DPP का वीडियो सॉल्यूशन भी सेंड कर दूंगा। लेकिन आपको पर डे की DPP जो आपको मिलेगी उसको सॉल्व करते रहना होगा। DPP बोले तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ऑलराइट, हर लेक्चर के बाद आपको DPP मिला करेगी, और मैं इसमें एक्सरसाइज सीट भी दूंगा जिसमें 5 लेवल होंगे, 5 एक्सरसाइज हुआ करेगी। उस एक्सरसाइज सीट को पूरा चैप्टर फिनिश होने के बाद डिस्कस किया जाएगा। DPP तो रेगुलर लेक्चर के बाद आती रहेगी, एक्सरसाइज शीट चैप्टर के एंड होने पर डिस्कस करेंगे, उसका भी वीडियो सॉल्यूशन बना देंगे। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जो मेरे को लगता है कि आपसे नहीं होंगे, उनका मैं वीडियो सॉल्यूशन बना दूंगा। और जो मान लो कोई भी क्वेश्चन रह जाए तो आप व्हाट्सएप के जरिए मेरे को ये बता सकते हो कि एक्सरसाइज फर्स्ट में, मतलब कॉपी पेन उठा के वो क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो, पहले से ही रजिस्टर में पहले से लिख सकते हो डिस्कस होने से पहले कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कराना कल, तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, बेसिक मैथमेटिक्स। फॉर IIT JEE देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा नंबर सिस्टम। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, राइट? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। व्हाट इज संख्या पद्धति, कौन कौन सी होती है? देखिए, फर्स्ट है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 ऐसे आर नोन एज नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट बोले तो ग्रुप, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन। राइट, तो एन की वैल्यू क्या होती है? 1, 2, 3, 4 ये ध्यान रखना है। राइट, ये एन हो गया। नेक्स्ट, होल नंबर। होल नंबर कौन से होंगे? इंक्लूडिंग जीरो इन नेचुरल नंबर इज नोन एज होल नंबर। होल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय W। सो W इज 0, 1, 2, 3 ... राइट, ये चीज कहलाएगी होल नंबर। होल नंबर को हिंदी बोलते हैं
पूर्ण संख्या, राइट? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 काउंटिंग नंबर होते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर को अपन आई या जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, आई या जेड लैटिन वर्ड होता है, इसका लैटिन वर्ड होता है जेरिन नंबर, इसलिए जेड आया है, आई तो इंटीजर हो गया, ऑलराइट? तो क्या होता है ये, आई इक्वल टू देखिएगा -2, -1, 0, 1, 2 ये चीज कहलाती है इंटीजर, ऑलराइट? इंटीजर होता है। अब ये कोई ये कहे कि आई प्लस क्या होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ये वाला, ऑलराइट? आई माइनस क्या होता है, आई तो ये हो गया, आई प्लस ये हो गया, आई माइनस क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर, राइट? इट मीन्स ये वाले। एक चीज होती है आई जीरो, व्हाट इज आई जीरो, इंटीजर एक्सेप्ट जीरो, मतलब जीरो को हटाकर पूरा आई, ये होता है आई नॉट को या आई जीरो को, राइट? नेक्स्ट लैंग्वेज में आ जाए नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं जो नेगेटिव नहीं, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें इसमें क्या डिफरेंस रहा, इसमें जीरो आता है, पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, और नॉन नेगेटिव इंटीजर 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, एक होता है नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे लैंग्वेज में आ जाए तो नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं तो कौन सा आएंगे, नेगेटिव अप टू इंफिनिटी, लेकिन इसमें भी जीरो आएगा, तो इसमें इसमें डिफरेंस समझ में आ गया, नेगेटिव तो बोले तो नेगेटिव -1, -2 अप टू इंफिनिटी, नॉन पॉजिटिव इट मीन्स 0, -1, -2, -3 अप टू इंफिनिटी, ऑलराइट? गाइस आपको लगता है कि थोड़ी स्पीड तेज है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, नोट करते हुए आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसको नोट करें, अच्छे से नोट्स बनाएं और रिवाइज करते रहें, नोट करें। तो नेक्स्ट रेशनल नंबर, हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, इसको क्यों से डिनोट किया जाता है, व्हाट इज रेशनल नंबर, द नंबर्स, द नंबर्स कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ, कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू से संबंधित, आई एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर हर जीरो नहीं होना चाहिए, राइट? P और Q क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकते हैं, और इंटीजर क्या होता है ये भी अपन ने पढ़ा इधर, राइट? देखिए फॉर एग्जाम्पल 2 by 3, 5 by 2, राइट? जैसे 6 ये भी इंटीजर है ना, है क्यों, 6 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 6 by 1 इंटीजर हो गया, 0
बिल्कुल इंटीजर है, 22/7 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 2/1 ऑलराइट, तो ये इंटीजर हो गए, सिंपल है ये। नेक्स्ट इसमें एक नोट पढ़ना है, रेशनल नंबर के लिए एक नोट पढ़ना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक एग्जांपल और देखो, 3.5 ये भी इंटीजर है, बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि देखो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑलराइट। एक नोट और पढ़ें, द डेसिमल पार्ट ऑफ, डेसिमल पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल पार्ट ऑफ रेशनल नंबर आ इज टर्मिनेटिंग, या तो खत्म हो रहा हो, डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिंग, या फिर रिपीटिंग। कहने का मतलब जैसे 3.67777 ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, राइट। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 3.67 डॉट, बार भी लिख सकते हैं, डॉट भी लिख सकते हैं, या फिर 3.6 टर्मिनेट हो गया, ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, राइट। ठीक है, इरेशनल और पढ़ लेते हैं, इरेशनल फिर इसके क्वेश्चंस लेंगे अभी, पहले इरेशनल देखो, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या क्यू डैश, अपरिमेय इरेशनल नंबर क्या होता है, दोज नंबर कैन नॉट बी, दोज नंबर विच आर नॉट रेशनल, जो रेशनल नहीं होते हैं वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल, या फिर ऐसे कहें, या फिर ऐसे कह सकते हैं, नंबर्स नंबर्स cannot be written in p/q form, ऐसे नंबर जो p/q form में नहीं लिखे जाएंगे। एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा हूं, स्क्वायर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर रखिए, इसकी वैल्यू जो होगी 2.235 और भी कुछ होगी, राइट। स्क्वायर रूट के अंदर क्या रखना है, नॉन परफेक्ट नंबर, ये रेशनल नहीं, इरेशनल नहीं है, ये तो रेशनल है, अब ये चीज क्या है, इरेशनल है। क्या बोला मैंने, स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा रखना है, नॉन परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, ऐसे वर्गमूल के अंदर रखो, स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो चीज क्या होती, इरेशनल। और एग्जांपल होते हैं इरेशनल के, पाई और ई, स्पेशल एग्जांपल है, स्पेशल इरेशनल, जितने भी सिंबल होते हैं, जितने भी सिंबल होते हैं वो सब किस में माने जाएंगे, इरेशनल में, ऑलराइट। ई क्या होता है, नेपियर कोफिशिएंट, मैथमेटिशियन था एक, उसने अपने नाम से कुछ रख दिया इसका नाम, नेपियर कोफिशिएंट, ई की वैल्यू होती है 2.72, और भी कुछ होता है, ऐसे 2.718 होता है, लेकिन मैंने 2.72 कह दिया, क्यों, क्योंकि आपको याद करनी पड़ेगी,
लॉगरिथम जब पढ़ेंगे तब इसको याद करना पड़ता है। तो कैसे याद करोगे ये ट्रिक देखो, 2.72 मेरा 72 राइट, इस तरह से इसको याद करना है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये पाई इरेशनल बताया और 22/7 रेशनल बताया, तो ऐसा क्यों, ये तो एक ही होता है। तो जो मैंने पढ़ाया वो सही है। अब आप एक्स्ट्रा जानकारी लो कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट 22/7 होती है, मतलब इसमें 3.14 और भी कुछ होता है, वो आपको नहीं पढ़ाया गया, अब तक नहीं बताया गया, इसलिए इसको 22/7 को पाई कह दिया। 3.14 और भी कुछ होता है, बिल्कुल इसके एग्जैक्ट 3.14 नहीं होती है, 22 की वे इस पाई की वैल्यू 3.14 के अप्रोक्सीमेट होती है। ऑलराइट, अच्छा इसके लिए एक नोट, क्या नोट है, इरेशनल नंबर, डेसिमल पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर, डेसिमल पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, या तो खत्म नहीं होना चाहिए या फिर नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी ये कहा कि पाई की वैल्यू जो होती है वो ऐसे होती है 3.14837 ऐसे कुछ होती है, तो आप देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। राइट, नॉन नॉन ट्रिक बना लो, नॉन नॉन तो वो नॉन रेशनल होगा, टर्मिनेट रिपीटिंग तो वो रेशनल हो जाएगा। राइट, समझ में आ गई बातें, दोबारा समझो, डेसिमल पार्ट ऑफ रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेट हो रहा हो, टर्मिनेट बोले तो खत्म हो गया, देखो जैसे 5 खत्म हो गया, ठीक है, और या फिर रिपीट हो रहा हो, जैसे रिपीट हो रहा है 777 रिपीट हो रहा है ना इंफिनिटी टाइम्स, तो ये रेशनल होता है। इरेशनल में क्या होता है, खत्म नहीं हो रहा हो या फिर रिपीट भी नहीं हो रहा, जैसे रिपीट नहीं हो रहा है और अलग आएगा नंबर। राइट, तो ये सब इरेशनल होता है, ठीक है। अब इसमें बेस्ट फिर क्वेश्चन लेंगे, तब तक आप इसे नोट करें। तो नेक्स्ट नेक्स्ट अपना नेचुरल नेक्स्ट नंबर रहेगा, कितने हो गए थे, नेक्स्ट नंबर लेने से पहले अपन कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट, ऐसे कुछ भी नंबर लिख लिया, 2, 3, 7, 6, 5, 4 और एक डॉट लगा दिया, इनटू रेशनल फॉर्म, ये क्वेश्चन रेशनल नंबर में बदलना है, रेशनल नंबर। राइट, देखिए ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में आए हुए हैं, तो आप देखें, तो देखिए इस नंबर को रेशनल फॉर्म में लाना है, तो पहले तो इसका मेथड देखो, फिर इसकी ट्रिक बताता हूं। मेथड क्या है, इस नंबर को जैसे अपन ने ये लिख लिया 654, डॉट का मतलब पता है ना, 4444 इंफिनिटी तक चलता जाएगा, तो क्या करना होता है, फर्स्ट जिसके यहां डॉट लग रहा था उससे जस्ट
इधर डेसिमल लेके आओ, तो यहाँ डेसिमल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 23765.4। क्या कह रहा हूँ, जो नंबर रिपीट हो रहा था जस्ट उसके एक डिजिट इधर डेसिमल लेके आओ। नेक्स्ट, अब क्या करना है, जो नंबर रिपीट हो रहा था जस्ट उसके एक बाद, जस्ट उसके एक बाद डिजिट वाली उस पर डॉट लेना है, डेसिमल लेके आओ। इस नंबर को देखो, इसी में अपन लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय डेसिमल, यहाँ लाना है रिपीटिंग नंबर के जस्ट एक डिजिट बाद, एक डिजिट पहले तो ले आए, एक डिजिट बाद में लगाओ, तो क्या करना पड़ेगा ये आपको सोचना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेसिमल यहाँ आ जाए 1000 से, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, राइट, तो 1000x, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, देखो 23765.4444…. राइट, अब क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये 2a, तो इक्वेशन 2 माइनस फर्स्ट करना है हमेशा। तो देखो यहाँ कितना रह गया, 1000 में से 100 गया तो 900, और राइट इक्वल टू, इसको लिख लो 23765.4444, राइट, माइनस, और पे डॉट भी लगा सकते हो यहाँ पर, माइनस, अब ये वाले नंबर लिखो 23765.4, राइट। अब देखो माइनस करना है, तो ये 0.4 बार ये तो खत्म हो गया, राइट, अब इसको माइनस करना है, 4 में से 5 गया, तो देखो इधर तो 900 रह रहा था, तो 40 में से 5 गया तो कितना रह जाएगा, 9, राइट, अब यहाँ देखो 4, 14 में से 6 गया तो 8 रह गया, यहाँ रह गया 5 में से 15 हो जाएगा तो 8 रह गया, ऑलराइट, यहाँ तक आ गए अपन, ठीक है, एक मिनट दोबारा देख लीजिए, 7 में से 3 गया, नहीं 7 नहीं 6 हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3 में से 2 गया तो 1 और लास्ट में 2, ऑलराइट, तो x की वैल्यू क्या होगी, 21388 upon 900, ये आपके पास कैंसिल आउट हो रहा तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, और नहीं हो रहा तो यही आंसर आ गया, तो आप देख रहे हैं कि रेशनल फॉर्म है, ऑलराइट। अब इसकी ट्रिक सुनो, ये तो मेथड हो गया, इसकी ट्रिक देखो, ध्यान से देखना, नंबर क्या था, एक बार नंबर को लिख लेता हूँ, टू 37.654, फोर पे बार लग रहा है, राइट, तो एक ध्यान से सुना इस ट्रिक को, पूरा नंबर लिखो, पूरा नंबर लिख दिया, माइनस, यस, जिस पे डॉट है उससे पहले तक का नंबर लिखो, 23765, ऑलराइट, जिस पे बार है उससे पहला तक का सारे डिजिट लिख लो, पूरा नंबर माइनस डिजिट से पहले वाले डिजिट तक, डॉट से पहले वाले डिजिट तक, अपॉन में डेसिमल पार्ट के बाद वाले डिजिट के लिए काम होगा, ऑलराइट, अपॉन में डेसिमल के बाद वाले डिजिट के लिए काम होगा। अब सुनो, डेसिमल के बाद वाले डिजिट पे कितने डिजिट पे डॉट लगा है, उतने तो 9, कितने डिजिट डॉट लग रहा है उन पे 9, और डेसिमल के बाद वाले डिजिट पे कितने डिजिट पे डॉट नहीं लग रहा है, उतने 0, आंसर आ गया। अब इसको कैलकुलेट करके देख लो, वही आ रहा है, तो देखो 14 ऐसे 5 गया तो 9, यहाँ रह गया 14, 6, 8, 5, 8,
रहेगा 6 3 1 2। ऑलराइट, देखो वही आंसर आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दोबारा सुनाओ, जैसे मैं मान लो ये ले लेता हूं, यहां पर कुछ भी ले लो, 4 5 ले लो, तो क्या करेंगे इसको, पूरा नंबर लिखो, पूरा नंबर, पूरा नंबर लिख लो और बाहर से पहले तक का नंबर लिख लो, अपॉन डेसिमल के बाद वाले पार्ट पे कितने डिजिट पे बार लग रहा है, एक पे उतने 9, ऑलराइट, और कितने डिजिट पे बार नहीं लग रहा है, एक डिजिट पे बार नहीं, उतने 0। अब इसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ रह गया 4 4 1, और यह रहेगा 3 3, तो 1 2 हो जाएगा, और 2 देखिए 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ 1 रह गया। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3, 1 पॉइंट या कुछ भी लिख लो, जैसे 1.53 या फिर ऐसे लिख लें 15.3 डॉट। ऑलराइट, तो इसको कैसे लिखेंगे, पूरा नंबर लिख लो माइनस 15/9, क्यों, डेसिमल के बाद वाले डिजिट पे खाली एक ही डिजिट है, उसमें डॉट लग रहा है, तो ये 9 आ गया, भाई 0 तो आएगा नहीं ना, 0 तो कभी आएगा नहीं, एक डिजिट होगा तो वो तो वैसे ही हट जाएगा, रेशनल हो जाएगा, 10 हो गया, है ना। ऑलराइट, तो ये ट्रिक समझ में आई, इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप, 13 में से 5 गया तो 8, 4 में से 1 गया तो 3, 1 138/9, और ये सिंप्लीफाई हो रहा तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, नोट करें। तो नेक्स्ट है प्राइम नंबर, हिंदी बोलते हैं अभाज्य संख्या, व्हाट इज प्राइम नंबर, अ नेचुरल नंबर, अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, 1 नहीं हो, इज सेड टू बी प्राइम नंबर व्हिच is exactly divisible by unity and itself number only, only word में भी ध्यान दें, ऐसा number जो या तो जो 1 और खुद से divisible हो, कंप्लीटली डिविजिबल, वही नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा, फॉर एग्जाम्पल 2, राइट, 3, 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 4 तो मतलब आप एक ऐसे और याद कर लें, नंबर्स हूज ओनली 2 फैक्टर, एक तो कौन सा 1 एंड इटसेल्फ, 2 फैक्टर कौन से रहेंगे, 1 और खुद, वही नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा। अब इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, तो ये प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम, और नॉट प्राइम को अपन कहते हैं कंपोजिट। तो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, समझ में आगे बात, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ, 5 है, 6 नहीं होगा क्योंकि 2 3 भी हो जाएंगे, 7, ये सब चीजें क्या कहलाएगी, प्राइम नंबर। ऑलराइट, एक नोट याद रखना है, नंबर्स ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3
प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन थ्री, प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन थ्री आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सिक्स एंड माइनस वन या फिर सिक्स एंड प्लस वन, वेयर एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा हूं मैं कि तीन के अलावा जितने भी प्राइम है वो सब किस फॉर्म में है, सिक्स एंड माइनस वन या सिक्स एंड प्लस वन फॉर्म में। सिक्स एंड माइनस वन, जैसे एन इक्वल टू वन रखो क्या आएगा, नंबर ग्रेटर देन थ्री, तीन से ज्यादा वाले नंबर। वन रखेंगे तो क्या आएगा, फाइव प्राइम है, टू रखो इलेवन प्राइम है। तो ये सारे नंबर जो आने वाले हैं इससे, इससे जो सारे नंबर आने वाले हैं वो किस में आएंगे, प्राइम नंबर में आएंगे, प्राइम नंबर ही होंगे। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन करेंगे बाद में अपन। पॉइंट नंबर सेवन, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हिंदी बोलते हैं भाज्य संख्या। व्हाट इज कंपोजिट नंबर, पहले तो ऐसे बोल सकते हो नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहेंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हो नंबर्स, नंबर्स हूज मोर देन टू फैक्टर्स आर नोन एज, आर नोन एज कंपोजिट नंबर। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे नंबर जिनसे दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा चीजों के डिविजिबल हो वो नंबर, उसे कहेंगे अपन कंपोजिट। एग्जांपल देखिए, जैसे फोर, फोर में वन का भी डिवाइड होता है, फोर का भी होता है और टू का भी होता है, तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, फाइव नहीं होगा, सिक्स एट नाइन ट्वेल्व फोर्टीन, राइट। चलो इससे रिलेटेड कुछ नोट याद रखना है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो वन क्या होता है, वन एक ऑड नंबर होता है, राइट, इवन ऑड तो आता है आपको, इवन ऑड सम और विषम, वन विषम होता है, टू इज वन, टू इज ओनली वन ऑफ द इवन प्राइम नंबर, दो केवल अकेला ऐसा है जो सम अभाज्य संख्या होगी, इवन प्राइम नंबर होगा, राइट, क्योंकि बाद वाली इवन नंबर प्राइम नंबर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसमें दो से भी डिविजिबल हो जाएंगे, वन से होंगे, टू से भी होंगे और खुद से भी होंगे, तो तीन फैक्टर हो जाएंगे ना, तो वो तो कंपोजिट हो जाता है। तो आपको ऐसे कहा जाएगा कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो केवल वो टू होती है। नेक्स्ट, फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, तो ये नोट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, राइट करें इनको। नेक्स्ट नंबर है, कितने हो गए थे, सिक्स सेवन एट रहेगा आप, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, व्हाट इज को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, क्या होती है सह अभाज्य संख्या, देखिए टू
नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर नॉट नेसेसरीली प्राइम. Not necessarily prime. जरूर नहीं कि वो prime number हो. Are said to be co-prime number if their HCF is 1. HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका वन होना चाहिए. जैसे देखो एग्जांपल, देखो कोप्राइम नंबर के 1, 2 दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? 1 ही आएगा. 2, 3 राइट, 1, 5, 3, 7 इनका सबसे एचसीएफ क्या रहा है? 1 आ रहा है. तो ये सारे क्या होंगे? को प्राइम होंगे, राइट? लेकिन यहां देखो 2, 6 इनका एचसीएफ 1 आएगा क्या? नहीं आएगा. कितना आएगा? 2 आएगा. तो ये नॉट को प्राइम, राइट? समझ आगे बात को प्राइम के लिए. चलो इसके लिए एक नॉट, दो नॉट देखने हैं. फर्स्ट नॉट, Always two distinct prime number is always co-prime number. HCF क्या होता है ये तो समझ में आ गया ना? मतलब जिसमें एक के डिवाइड हो रहा हो और किसी नंबर का डिवाइड नहीं हो रहा होता. दोनों नंबर में एक के डिवाइड होता है, किसी और नंबर का डिवाइड नहीं होना चाहिए. जैसे यहां पर देखो 2 का भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये को प्राइम नहीं हुआ. हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, ऑलवेज टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज ऑलवेज टू डिस्टिंक्ट नंबर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज ऑलवेज को प्राइम नंबर. दो अलग अलग को प्राइम नंबर ले लो हमेशा वो क्या आएगा? अलग अलग प्राइम नंबर ले लो हमेशा वो क्या आएगा? को प्राइम नंबर ही आएगा, राइट? को प्राइम नंबर, ठीक है. नेक्स्ट, टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज प्राइम नंबर. हमेशा दो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर क्या होगा? प्राइम को प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा. जैसे देखो 2, 3, 15, 16 राइट, ये क्या है? को प्राइम नंबर है, राइट? चलो आइए बात. तो नेक्स्ट है, चलो इसको नोट करें फिर नेक्स्ट बाद में लिखते हैं. तो नेक्स्ट है 9 नंबर, ट्विन प्राइम नंबर युग्म अभाज्य संख्या. अच्छा, इसमें एक ध्यान रखना, इसका एक तीसरा नोट है, को प्राइम नंबर इज ऑल्सो नॉन एज रिलेटिवली प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर को और क्या कह सकते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर, राइट? तो ट्विन प्राइम नंबर ये क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ टू
प्राइम नंबर, इसमें प्राइम नंबर होना जरूरी है, इज टू नॉन एज ट्विन प्राइम नंबर। ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर दो होना चाहिए। तो देखिए एग्जांपल, जैसे वन, वन तो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे टू और इलेवन और थर्टीन, राइट, इनका डिफरेंस आप देखो कितना आ रहा है, टू आ रहा है डिफरेंस, फिफ्टीन एंड प्राइम नहीं है, जैसे ट्वेंटी नाइन और थर्टी वन, ये भी क्या है ट्विन प्राइम नंबर, तो ये ट्विन प्राइम नंबर के एग्जांपल हो गए। ऑलराइट, इक्वेशन कर लेते हैं आप। क्वेश्चन है इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर ट्विन प्राइम नंबर सच दैट, such that A is less than B and B is greater than 23, A is less than B is greater than 23, then which of the following number would always डिवाइड ए प्लस बी, तो कौन सा नंबर ए प्लस बी को डिवाइड करेगा। राइट, ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उधर तो ट्विन प्राइम नंबर बताया है ए और बी को, तो ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जो प्राइम तो होने चाहिए, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या आ रहा हो, प्राइम नंबर पढ़ाया था जिनका प्राइम नंबर जिनके केवल दो फैक्टर हो, और उसमें एक नॉट पढ़ा था अपन ने, वो नॉट इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा था लास्ट में उस पर क्वेश्चन करूंगा। तो द प्राइम नंबर ग्रेटर देन थ्री और ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सिक्स एन माइनस वन या सिक्स एन प्लस वन। राइट, तो यहां पर ए को मैं क्या कह दूं, सिक्स एन माइनस वन है, बी को क्या कह दूं, सिक्स एन प्लस वन है। राइट, तो देखो इनका डिफरेंस टू भी आ रहा है। अब ए प्लस बी बोलो कितना हो गया, ट्वेल्व एन, और एन यहां पर क्या है, नेचुरल नंबर। राइट, तो ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय ट्वेल्व होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। राइट, तो गाइस आज तक अपन यहीं तक स्टॉप करते हैं लेक्चर, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।